Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पासे में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आप लोग जो है इसी प्रकार अपना सहयोग बनाए रखिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पिछले जो है 8-10 दिन में आप लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया है और इसी प्रकार थोड़ा सा सहयोग कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, जबरदस्ती सब्सक्राइब करवाइए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं खुला हुआ पासा। देखिए खुले हुए पासे के लिए मैं जो है थोड़ा आपको समझा दूं कि खुला हुआ पासा आखिर कैसे होता है। यही हमारा मान लीजिए पासा है, बंद पासा। जब आप इसको खोलेंगे तो क्या होगा, देखिए जब आप इसको खोलेंगे तो क्या होगा भाई, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, मैंने नंबरिंग कर दी। मतलब हम क्या देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक। होता क्या है, अगर भी इसको मैं बंद करने की कोशिश करूं तो देखो ये हमारा हो गया और ये हमारा हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं अभी, अभी इसकी नहीं, अभी केवल ये दोनों की, तो क्या देख रहे हैं, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब बीच वाली लाइन छोड़ दी गई ठीक। उसी प्रकार अगर भी मैं इसको हटा दूं, इसकी इसकी बात करूं तो हम क्या देख रहे हैं, इसका विपरीत ये हो जाएगा, मतलब बीच वाली लाइन फिर छूट गई। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका विपरीत ये वाली लाइन छोड़ करके ये है, तो इसका विपरीत ये वाली लाइन छोड़ करके ये है, फिर और इसका विपरीत ये वाली लाइन छोड़ करके ये है, मतलब एक लाइन छोड़ करके हमको एक का विपरीत मिल जाता है। इसके लिए आप केवल एक कांसेप्ट याद रखिए कि विपरीत सतह एक सीधी रेखा में एक बॉक्स छोड़कर प्राप्त होता है ठीक। जैसे अभी मैंने जो समझाया उसी को अगर मैं चित्र में बनाऊं, अभी जो मैंने समझाया 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी जो मैंने चित्र में समझाया वो क्या समझाया भाई, हमने क्या समझाया कि यही है हमारा और जब इसको खोलेंगे तो क्या देख रहे हैं, इसका विपरीत ये वाला बन रहा है, मतलब ऐसे ही था ना, देख रहे हैं ये हमारी ऊपर वाली सतह और ये नीचे वाली, तथा इसका विपरीत कौन सा है, ये। उसी प्रकार जब हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो देख रहे हैं इसके सामने ये वाली सतह आएगी, मतलब इसका विपरीत ये हो जाएगा। तो वही चीज है कि अगर हम इसमें बात करें तो जैसा कि हमने लिखा है कि एक सीधी रेखा में प्राप्त होती है, तो चलिए एक सीधी रेखा में चलते हैं पहले। तो सीधी रेखा में चलेंगे तो एक का विपरीत 3 भाई, एक बॉक्स छोड़ करके चलना है तो क्या देखें कि एक का विपरीत 3 हो गया। फिर देखिए 2 के विपरीत हमको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और जो ये बाहरी भुजा निकली है ना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे तो 5 के विपरीत 6 हो जाएगा। जल्दी से आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। हेलो, गुड इवनिंग मोहित, पंकज, दिलीप, सुनील, सुरेश, अजय, तो त्रयंबकेश्वर, अच्छा नाम है त्रयंबकेश्वर, पुनीत। तो चलिए जल्दी से एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं, तो ये हमारा पहला नियम भी हो गया। पहला नियम यही है कि अगर आपको इस तरह का चित्र दिया गया रहे तो इसमें जो है जो सीधी रेखा में हम चलेंगे और एक का विपरीत एक ढूंढेंगे। जैसे एक अगला जो है दूसरा देखिए, दूसरा हमारा है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने क्या बताया, हमने कहा कि विपरीत सतह जो होती है वो एक सीधी रेखा में होती है और एक बॉक्स के अंतराल पर होती है, मतलब कि अगर अभी मैं इसका विपरीत पूछूं तो इसका विपरीत ये हो जाएगा, एक बॉक्स मैंने छोड़ दिया, एक बॉक्स के अंतराल पर होती है। फिर उसी प्रकार अगर अभी मैं इसका विपरीत पूछूं तो इसका विपरीत हमारा ये हो जाएगा, अर्थात 1 का विपरीत हो जाएगा 3 और 2 का विपरीत हो जाएगा 4। फिर देखिए अगर मैं सीधी रेखा अभी खड़ी खड़ी इधर चलूं, जब मैंने इधर सीधी रेखा में गया तो हमको दो चीज मिल गया, अब अगर इधर चलेंगे तो देखिए 5 और 1 छोड़ करके 6, अर्थात 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा
आंसर। तो हमने क्या देखा, एक नियम तो हमारा ये हो गया, या तो इस तरह आपको चित्र मिल सकता है, या तो चित्र आपको इस तरह मिल सकता है, या फिर तीसरा देख लीजिए, कुल टोटल छह चित्र आपको मिलेंगे छह टाइप के, और वो छह टाइप हम बता रहे हैं। तीसरा देख लीजिए, तीसरा टाइप है आपका, तीसरा, हाँ ठीक है, तीसरा है आपका सीढ़ी का आकार। एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ। हमने क्या कहा, केवल एक कॉन्सेप्ट, खुले हुए पासे में सिर्फ आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जो हमारे विपरीत सतह होती है वो एक गैप छोड़ करके सीधी रेखा में प्राप्त होती है। तो अगर भी मैं एक के विपरीत की बात करूं तो एक के विपरीत हमको तीन मिलेगा, क्योंकि सीधे रेखा में चलना है हमको, तिरछा चलना नहीं है। फिर यहां बात करूं तो चार के विपरीत क्या मिलेगा, छह मिलेगा। मतलब हम क्या देखते हैं कि एक के विपरीत तीन, चार के विपरीत छह। उसके बाद देखिए बचा क्या हमारा, यहाँ दो बचा और यहाँ पांच बचा, ये दोनों बीच बीच में जो है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, मतलब दो के विपरीत पांच। ये है हमारा खुले हुए पासे का तीसरा नियम या तीसरा टाइप, जान लीजिए। अगला जो चौथा क्वेश्चन इसमें का बनता है उसको देखिए, चौथा क्वेश्चन जो आपका बनता है एक दो तीन उसके बाद ये हो गया, तो एक दो तीन चार पांच, ठीक। फिर इसको मैं इससे लिख दे रहा हूं, स्टार हैज एट द रेट और टाइम, स्टार हैज एट द रेट और टाइम। अब देखिए हमने क्या कहा, विपरीत सतह हमें सीधी रेखा में प्राप्त होती है और एक गैप छोड़ करके एक प्राप्त होती है। जब हम खड़ी रेखा में चलेंगे तो क्या देखेंगे कि एक के विपरीत हमको क्या मिल जाएगा, तीन मिल जाएगा। फिर जब मैं इस रेखा में चलूंगा अर्थात क्षैतिज रेखा में चलूंगा तो हमको क्या मिलेगा, चार के विपरीत पांच मिल जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दो बचा, इसका मतलब दो के विपरीत क्या होगा, और यहाँ पे चार डिब्बे बने हुए हैं। तो अगर चार डिब्बा बना हुआ है तो आप जो है चार डिब्बा ऐसे बना लीजिए, अगर चार डिब्बा अतिरिक्त रहेगा तो चार डिब्बा बना लीजिएगा, जैसे रहेगा जिस आकार का रहेगा उसी आकार में यहाँ पे बना लेंगे। अगर त्रिभुज के आकार का रहेगा तो इसमें त्रिभुज के आकार का बनाएंगे, और अगर चतुर्भुज के आकार का रहेगा तो चतुर्भुज के आकार का बनाएंगे। जैसे इसमें दिख रहा है चतुर्भुज के आकार का है तो मैंने चतुर्भुज के आकार का बना लिया। अब चलते हैं, देखिए जब हम इसको मोड़ेंगे अर्थात ये जब आएगा, अब यहां पे समझ लीजिए, इसको मैं यहां पे समझा रहा हूं। देखिए ये था आपका क्या, स्टार। फिर देखिए ये था आपका हैज। फिर देखिए ये था आपका एट द रेट। फिर देखिए ये था आपका डॉलर। तो जब ये इधर आएगा अर्थात जब इसको हम इधर लाएंगे तो ये हमारा इस तरह बन जाएगा स्टार, ये उधर जाएगा तो ये हमारा इस तरह बन जाएगा हैज, ये इधर आएगा तो ये हमारा इस तरह बन जाएगा डॉलर, और ये इधर आएगा तो ये हमारा बन जाएगा एट द रेट। तो हम क्या देख रहे हैं, चतुर्भुज आप बनाइए, बनाने के बाद किसी एक को पकड़ लीजिए, किसी एक को पकड़िए, किसी भी एक को पकड़ लीजिए आप, चाहे इसको पकड़िए, चाहे इसको पकड़िए, चाहे इसको पकड़िए, चाहे इसको, चाहे जिसको, किसी एक को पकड़ करके घड़ी की दिशा में घूम जाइए। चलिए हम कहां से चलते हैं, हम अगर हैज से चले या फिर हम एट द रेट से चले तो क्या देखेंगे, यहां पे हो जाएगा आपका एट द रेट, फिर एट द रेट के बाद हैज, फिर स्टार
फिर डॉलर। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हम किसी भी एक पॉइंट पर चल रुक करके घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे तो हमको दो का अपोजिट मिल जाएगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2014, 2016 और 2018 में पूछा गया था CHSL में और स्टीनोग्राफर में पूछा गया था। ठीक, तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस नियम के प्रश्न बनते हैं। तो अगर ये ना समझ में आए, देखिए इसी नियम का एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं, इसी नियम का एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक दो तीन, तो चलिए एक दो तीन चार पांच, ए बी सी डी, ये है हमारा। हमने क्या कहा, सीधी रेखा में चलेंगे, तो सीधी रेखा में चलेंगे तो क्या देखेंगे, चार का विपरीत हो गया पांच, एक का विपरीत हो गया तीन। अब दो का विपरीत क्या होगा, हम देख रहे हैं चौकोर है ना, चौकोर है तो आप ऐसे चौकोर बना लीजिए, अगर चौकोर रहे तो आप ऐसे चौकोर बना लीजिए। अब देखिए, अब किसी एक को पकड़ करके घड़ी की दिशा में घूम जाइए, तो हम अगर ए को पकड़ लें तो ए बी, तो ए के बाद डी है, बी नहीं है, ए के बाद डी फिर सी फिर बी, तो ये हो जाएगा हमारा बी टी। तो इस तरह से हम जो है निकालते हैं। किसी को अगर कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कमेंट आपके देख रहा हूं। अगला नियम देखेंगे पांचवा, आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। दिलीप, मुकेश, सुधीर, विनोद, समझ में आ गया सर, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा है, समझ में आना चाहिए। अगला देखते हैं पांचवा, पांचवें नियम में क्या है, देखिए पांचवें नियम में भी इसी तरह ही है। देखिए क्या है पांचवें नियम में, पांचवें नियम में आपका सेम टू सेम उसी तरह है, एक तीन पांच चार दो, एक दो तीन चार पांच, उसके बाद ये, अब यहां पे लिखा है आपका डॉलर, यहां पे है आपका एल्टरी, यहां पे है आपका हेज, यहां पे है आपका स्टार। अब हमने क्या कहा कि हमको सीधी रेखा में चलना है, तो अगर सीधी रेखा में चलेंगे तो हम क्या पाएंगे कि एक का विपरीत हो जाएगा पांच, फिर दो का विपरीत हो जाएगा चार, फिर बचा क्या तीन, और तीन का विपरीत क्या हो जाएगा। हमने कहा कि अगर यहां त्रिभुज रहेगा त्रिभुज का आकार बनेगा, यहां चतुर्भुज रहेगा तो चतुर्भुज का आकार बनेगा। अब समझिए यहां पे क्या है, त्रिभुज है भाई, एक चतुर्भुज में अगर हम चार त्रिभुज सेट करें तो हम कैसे सेट करेंगे भाई, ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा चार सेट हो गया ना, एक दो तीन चार, चार त्रिभुज सेट हो गया। उसी तरह ये हमारा हो जाएगा एक, ये हमारा हो जाएगा दो, ये हमारा हो जाएगा तीन और चार। तो ये जो ऊपर वाला है ये हमारा एक हो गया, ये एट द रेट है ये हमारा यहाँ हो गया, ये स्टार है ये हमारा यहाँ हो गया, और ये है ये हमारा यहाँ हो गया। यानी कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप जिसका लिखना वो लिख लीजिए और आप किसी एक को पकड़ करके, एक को पकड़ करके घड़ी की दिशा में घूम जाइए, तो मतलब डॉलर स्टार हैज एट द रेट। कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन था, अगर आप इस नियम का और देखना चाहें तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे एक दो तीन चार पांच, ए बी सी डी, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि सीधी रेखा में अगर चले तो एक के विपरीत हमको तीन मिल जाएगा। ठीक, अगर हम इधर चले तो दो के विपरीत, इधर नहीं, इधर चले तो चार के विपरीत पांच मिल जाएगा।
बचा क्या हमारा, यह बीच वाला बचा था दो, तो दो के विपरीत क्या होगा, तो चौकोर बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कौन से आकार का है, अगर त्रिभुज के आकार का रहेगा तो यहाँ त्रिभुज बनाएंगे, चतुर्भुज के आकार का रहेगा तो चतुर्भुज बनाएंगे। तो चलिए त्रिभुज के आकार का है तो त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। तो अब बनाने के बाद ए बी सी डी लिख लीजिए घड़ी की दिशा में, तो ए बी सी डी यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये था हमारा पांचवा क्वेश्चन। फिर देखिए छठवां और आखिरी देख लीजिए, छठवां और आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या है। छह नियम केवल आपके थे, छठवां नियम है आपका, एक दो तीन चार तक है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक। उसके बाद फिर ये, अब देखिए इसमें जो है अगर हम विपरीत निकालें तो हमने क्या कहा कि सीधी रेखा है, अर्थात एक के विपरीत तीन, फिर देखिए दो के विपरीत चार। अब देखिए यहां पे ऐसा मैंने लिखा नहीं, यहां पे आपका प्लस माइनस गुणा बराबर। अब देखिए अब जब इधर का आप निकालेंगे तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, अर्थात प्लस और माइनस, इसका जो विपरीत होगा प्लस माइनस, अर्थात इसका विपरीत जो होगा वो इधर के दोनों के विपरीत के बराबर होगा, अर्थात पूरा बराबर। तो प्लस माइनस का जो विपरीत हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, गुणा बराबर का विपरीत हो जाएगा, मतलब इधर का और उधर का। तो ये था हमारा खुला हुआ पासा। तो खुले हुए पासे में यही छह टाइप थे, पीडीएफ मैंने आपको दे दी है प्रैक्टिस के लिए, तो जो नहीं जुड़े हैं वो पिछला वीडियो देखिए, वहां पे हमने नंबर दिया है, तो आप वहां से जुड़ जाइए, वहां पर हम आपको पीडीएफ दे दें, ठीक। तो आप लोग जो है इसको सॉल्व करिए, कहीं भी समस्या हो बताइए, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और लोगों से सब्सक्राइब करवाना, ये आपका कर्तव्य है, इसको आपको करना चाहिए। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।